श्याम का शोभा सुमन राम राम अल खल श्याम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी रामचंद्र भगवान की जय हो। ये किष्किंधा कांड के चौपाई जाती है। ये क्यों है? क्योंकि इनमें जो जामवंत जी है उन्होंने हनुमान जी की शक्तियों का विस्तार और शक्तियों के बारे में बताया, क्योंकि हनुमान जी को श्राप है ना कि आप अपनी शक्तियों को भूल जाओगे, और जब इनको विसमृति हो जाती है अपनी शक्तियों की तो किसी के कार्य सिद्ध नहीं कर पाते। इसलिए हनुमान जी को
उनकी शक्तियां याद दिलानी पड़ती है। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए ताक तुम पाही। जब उन्होंने कहा कि संसार में कौन सा काज जो आप नहीं कर पाओ, आप तो सब कुछ कर पाओगे, अपनी शक्तियों को याद करो। इसलिए सुंदरकांड से पहले इन पंक्तियों को माना बहुत जरूरी है। और अब सुंदरकांड शुरू करते हैं। शायद देखो क्योंकि पहली बार आप सुन रहे हो, क्योंकि बहुत आनंददायक है, तो समझने की कोशिश करो कि कुछ हम बताते रहेंगे, क्योंकि आपको समझाना बताना जरूरी है, तभी आप समझ पाओगे इस कथा को। तो शांतम शाश्वतम परमेयमग्रम निर्वाण शांति पदम ईश्वर माया मनुष्य हरि वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भुपालचूड़ाम रघुपते हृदय सत्यम वदामि जय भक्ति प्रयच्छ रघु मंगल निर्भरामि कामि दोषि रहितं कुरु मानसं च अतुलित बल धाम हेम शेराभ देहं तनुज वक्र शानं ज्ञानिनाथं सकल भुवन निधानं वाणीराधीशं रघुपति प्रिय भरतं वाति जातं नमामि वाति जातं नमामि। मंगल भवन अमंगल हारी आई सत्य कहूं मोहि जाने की मां
अवध हो न तन के नहीं जाना दिल से मैं मोहित है आत्मा ओ तन भरे ते पतन पसाना की जनु की ने हो कर सिला ओ रहे तो तन पुते खलाऊं तोरते पावन सुते ही बोले बालाजी महाराज की जय हो। जब हनुमान जी लंका में जाते हैं पता लगाने के लिए तो समुद्र में एक सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है, देखिए ना रामायण, तो सुरसा नाम की राक्षसी कहती है कि आज देवताओं ने मुझे तुम्हारे रूप में भोजन दिया, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो कहते हैं कि हे माता, मैं अपने प्रभु श्री राम का काज करके वापस आपके पास आ जाऊंगा, मैं माता सीता की सुधि लेंगे, भगवान राम को बता दो, फिर आप भले ही मुझको खा जाना, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु कहने लगी, नहीं मैं तो तुम्हें अभी खाऊंगा। तो सतयोजन ही आनंद पीना, सतयोजन होता है सो योजन, उन्होंने अपना मुख खोला हनुमान जी को खाने के लिए। तो अति लगे रूप हनुमान, हनुमान जी मक्खी के समान होकर मुख में प्रवेश करके बाहर आ गए और बोले, माता अब तो हमने आपकी मनोकामना सिद्ध कर दी कि हमने आपके मुख में प्रवेश किया और बाहर आ गए। तो इस प्रकार से कहने लगे कि मैंने देवताओं ने मुझे भेजा था तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कि तुम में कितनी बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि का चातुर्य भी होना चाहिए ना, दुश्मन के गांव शहर में जा रहे हो, उनकी नगरी में जा रहे हो, तो तुम में कितनी बुद्धि है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, जाओ तुम्हें विजय श्री प्राप्त हो। यह आशीर्वाद है कि माता सुरसा ने हनुमान जी को विदा किया। राम काज सभी कर हूं तुम बल बुद्धि निदान, आशीष देहि गहि सो हर शीतल हनुमान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन मंगल भारी, प्रभु सुरत जोर बिहारी, सितर एक श्री तुम्हु रहि, जीव चंतु देव हर 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 ह
सब समान अभी पर कर रही आहा अखार में रहे बहुती एक चेतन पर सही पर जतन भर को जतन तक तम जतन चाहूं श्री रक्षण कहे वही समान से देख लो घर तत्पर साचर रक्षण नहीं राप तुल सही नास की आता सुनाए है रब तीर सर तीर सही यागी बत्री के हर सही उर रब्जवार देखी